नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे अजीबोगरीब फेस्टिवल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि आपने आज तक ऐसे अजीबोगरीब फेस्टिवल कभी नहीं देखे होंगे। पंच योवर नेबर। ये फेस्टिवल बोलीविया में मनाया जाता है, जिसमें लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर अपने पड़ोसियों को मुक्का मारते हैं। मतलब अगर आप अपने पड़ोसियों से परेशान हो और उसे मुक्का मारना चाहते हो, वो भी बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, तो उन्हें अपने साथ इस फेस्टिवल में जरूर ले जाए। डे ऑफ द गीस। स्पेन में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल काफी अनोखा है, जिसमें लोग हंस को तेल में नहलाकर उसे नदी के ऊपर रस्सी पर टंगा देते हैं। फिर कंपटीशन में भाग लेने वाले लोग एक एक करके उस हंस की गर्दन को उछलकर तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये गेम तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई हंस की गर्दन नहीं तोड़ देता। नये पी। ये फेस्टिवल बाली में मनाया जाता है, जिसमें दिन में तो सब नॉर्मल होता है, लेकिन रात को सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि इस दिन किसी को भी लाइट और आग जलाने की अनुमति नहीं होती, यहाँ तक कि पूरा एयरपोर्ट बंद रहता है। आप पार्टी तक नहीं कर सकते, समुद्र के किनारों पर आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा। कुछ लोग तो इस दिन खाना और बोलना तक बंद कर देते हैं। डे ऑफ द सी। इस दिन को दुख के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें बोलीविया के चिली के साथ समुद्री लड़ाई हार जाने की वजह से वो समुद्र वाला हिस्सा खो देती है, जिसकी वजह से वो हर साल इसी दिन लाउड स्पीकर्स पर समुद्र की आवाज जोर जोर से चलाते हैं, ताकि वो उस दिन को याद रख सके। स्विमिंग हॉलीडे। ये इवेंट सबसे पहले 1989 में मनाया गया, जिसमें दो महाद्वीप यूरोप और एशिया के बीच मौजूद समुद्र में बहुत सारे लोग एक साथ तैरते हैं, जिसे देखने पर काफी अच्छा महसूस होता है। यही कारण है कि इस इवेंट में 50 से ज्यादा देशों के लोग हर साल यहां आते हैं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी एक फेस्टिवल में जाने का मौका मिले, तो आप किस फेस्टिवल में जाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।